दोस्तों आज का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाने के लिए आपको ज़रूरत होगी मल्टी कलर की पाइपिंग की और एक प्लेन कपड़े की। प्लेन कपड़ा आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। और दोस्तों नेक काटने के लिए ज़रूरत होगी बुकरम की। इस खूबसूरत से डिज़ाइन को बनाने के लिए ये तो हो गया मटेरियल। और अगर आपको और भी ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर विजिट ज़रूर करें, जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com, जहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत ब्लाउज़ के डिज़ाइंस, कुर्ती के डिज़ाइंस भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बुकरम पर अपना नेक काटेंगे। तो दोस्तों नेक काटने के लिए आपको अपनी बुकरम को इस प्रकार से डबल फोल्ड कर लेना होगा। और डबल फोल्ड करने के बाद में आपको क्या करना है, अपने नेक की ब्रॉडनेस का और लंबाई का निशान लगाना है। जैसे अगर आपने नेक की ब्रॉडनेस रखते हैं 6 इंच, तो 6 इंच का हाफ करके 3 इंच पर यहाँ मार्क लगा लें। लंबाई आप अपने हिसाब से कितनी भी रख सकते हैं, हम यहाँ पर 7 इंच रखेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको इसके अंदर की तरफ एक वी नेक का निशान लगाना है, राउंड वी नेक। ये हमने अपना एक राउंड वी नेक का निशान लगा दिया है। इसके बाद बाहर की तरफ आपको 2 इंच पर मार्क लगाना है, नीचे से लेके ऊपर तक। तो ये तो हो गया निशान। अब इसके बाद दोस्तों आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको बीच में, जैसे 2 इंच है तो 2 इंच का बीच में आपको 1 इंच पर मार्क लगाना है बिल्कुल सीधा। ये बीच में हमारा 1 इंच का मार्क लग गया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस मार्क से क्या करना है, थोड़ा मार्जिन इधर की साइड और थोड़ा मार्जिन इधर की साइड, मतलब कि बीच में 1/4 इंच आपको इसमें निशान लगा देना है। इस तरीके से देखिए, ये तो अंदर की साइड हो गया। अब आपको इस निशान से बाहर की साइड भी इसी तरीके से निशान को लगाना है। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है दोस्तों। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग सबसे पहले हम बाहर की तरफ से करेंगे और सारे निशानों पर बारी बारी कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारे नेक की जो कटिंग है वो कुछ इस प्रकार से हुई है। एक हमारा ये नेक हो गया और एक हमारा ये नेक हो गया। दोस्तों इसके बीच में से जो ये हमने 1/4 इंच का गैपिंग निकाली है, इसको हम फेंक देंगे, ये किसी भी काम का नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसे अपने ऑफ वाइट कलर के कपड़े पर दोनों नेकों को चिपका लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने अपने दोनों ही नेक को कपड़े पर चिपका लिया है। और चिपकाने के बाद देखिए हमने अपने छोटे वाले नेक में बाहर की तरफ जो कपड़ा छोड़ा है उसको हमने ऊपर की तरफ फोल्ड नहीं किया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले अपने बड़े वाले नेक को कुर्ती में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखिए, बनाने के लिए आप अपनी कुर्ती को इस प्रकार से खोलेंगे और खोलने के बाद में उल्टा हिस्सा इस तरफ रखेंगे, मतलब ऊपर की तरफ। और सबसे पहले अपने नेक को इस तरीके से इसके बीच सेंटर में रखेंगे और नॉर्मल तरीके से इसे बना लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपने नेक को सीधी तरफ को इस तरीके से फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद दोस्तों फिनिशिंग के साथ इस पर प्रेस लगा लेनी है। तो दोस्तों ये हमने अपने नेक पर फिनिशिंग के साथ प्रेस लगा ली है। और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो ये आपका बाहर वाला साइड देख रहे हैं आप, ये खुला हुआ है नेक का, तो आपको इसमें इस तरीके से यहाँ पर पाइपिंग रखते हुए पूरी पाइपिंग को शुरू से लेके आखिर तक अटैच करना है। और उसके बाद अंदर भी आपको यही पाइपिंग लगा लेनी है। तो पहले हम इधर लगाएंगे, उसके बाद इधर। तो देखिए दोस्तों पाइपिंग लगाकर हमारे इस वाले नेक में बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आ गई है। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर का जो छोटा वाला नेक था उसको आपको तैयार करना है। तो उसके तैयार करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों इसमें हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इसका जो मार्जिन है इसके ऊपर फोल्ड नहीं किया है, तो अब हमने मार्जिन को भी इसके ऊपर फोल्ड कर दिया है। और अब इस नेक को तैयार करने के लिए हम लेंगे एक कपड़ा और। तो ये हमारा वो कपड़ा है जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। इसको हम इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और रखने के बाद दोस्तों इसके अंदर की तरफ सिलाई लगाकर इसको पलटी मारेंगे, जैसे कि नॉर्मल तरीके से कुर्ती में नेक बनाते हैं।
अब हम नेक को इस तरीके से पलट देंगे और पलटने के बाद इस पर फिनिशिंग के साथ पहले हम प्रेस लगा लेंगे। तो ये हमने अपने नेक पर प्रेस लगा ली है। और इसके बाद दोस्तों आप जो देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे वाला, इसको हम अपने नेक से आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद दोस्तों इस मार्जिन को भी हम अपने इस नेक के ऊपर की ही तरफ को प्रेस से फोल्ड कर लेंगे। तो दोस्तों जो ये हमने अपना मार्जिन नेक के ऊपर की तरफ को फोल्ड किया है, अब हम इसे इस तरीके से खोल देंगे। और खोलने के बाद में दोस्तों ये मार्जिन हमारा अंदर की तरफ चला जाएगा और देखिए कुछ इस प्रकार से ये बनकर तैयार होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में दोस्तों इस तरीके से पाइपिंग को फंसाएंगे। तो पाइपिंग को फंसाने का एक तो फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आपकी पाइपिंग भी यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाएगी और दूसरा आपका कपड़ा भी नीचे की तरफ पक्का फोल्ड हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो लगा ली हमने बाहर की तरफ पाइपिंग, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर की तरफ भी इसी तरीके से पाइपिंग को लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों हमने अपने इस वाले नेक को दोनों तरफ पाइपिंग लगाकर रेडी कर लिया है। अब इसके बाद दोस्तों आपको अपने नेक को इस तरीके से इस वाले नेक के बिल्कुल बीच सेंटर में सेट करना है। जो बीच में क्वार्टर इंच का मार्जिन था वो आपको रखना है, मतलब कैपिंग। और इसके बाद दोस्तों आपको लेने होंगे कुछ इस प्रकार के वीड्स। दोस्तों ये वीड्स आपको मार्केट में काफ़ी आसानी से मिल जाएंगे। तो इनको कैसे यूज़ करेंगे, देखिए इनको यूज़ करने के लिए दोस्तों आपको हाथ वाली सुई में डबल धागा डाल के चार पड़ता कर लेना है और गांठ लगा लेनी है। तो पहले हम 20 सेंटर में इस तरीके से सुई को निकालेंगे नेक के, और निकालने के बाद दोस्तों सुई में एक बीड्स को इस तरीके से डालेंगे और डालने के बाद यहाँ पर इसकी नोक से सुई को निकाल कर अटैच करेंगे मोती को, और फिर से सुई को दोबारा नीचे की तरफ वापसी कर देंगे जिससे कि हमारा मोती यहाँ पर पक्का हो जाए। ऊपर नीचे करके आपको यहाँ पर एक नोट लगा देनी है जिससे कि यहाँ पर ये आपका मोती निकले ना। अब इसके बाद दोस्तों ये देखिए हमारा एक वीड्स लग गया है। अब हम यहाँ पर एक एक इंच की गैपिंग से सारे वीड्स इसी तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों मोती लगाकर बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा पूरा नेक बनकर तैयार हो गया है। आपको हमारा आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों अगर किसी कारण नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com।